गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स सेक्शन फार्मूला। देखो बेटे, ए बी इज द लाइन सेगमेंट एंड सी इज एनी पॉइंट, कन्वर्ट इनटू रेशियो एम रेशियो एन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई। कोऑर्डिनेट किसके? सी के बेटे, सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हमें क्या करना, एक्स क्रॉस एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में सम ऑफ देयर रेशियोज एम प्लस एन वाई, वाई इज इक्वल टू, अब कोऑर्डिनेट वाई और क्या हुआ, एम सीसा ले लिया, कोऑर्डिनेट पे आ जाइए, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन सम ऑफ देयर रेशियोज। अब इसे हम प्रूव करेंगे बेटे बाय द कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में आ जाइए, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स, वर्टिकली लाइन वाई, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। अब पॉइंट देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट ए एक्स वन वाई वन, सेकेंड पॉइंट सी एक्स वाई, थर्ड एक्स टू वाई टू, आप इसे बी कह सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ आपके साइन, यहाँ बी लिखा था तो यहाँ डी लिख दिया बेटे, कोई नहीं, ए डी। अब देखते हैं बेटे रेशियो कैसे कन्वर्ट हुई। अब देखो बेटा, पी पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, थ्री पॉइंट लिए थे, थ्री पॉइंट को क्या किया, ज्वाइन कर दिया और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्वाइन किया है और नेम दिए गए हैं पी क्यू आर। अब पी क्यू इज इक्वल टू ए बी एंड क्यू आर इज इक्वल टू सी ई, फाइंड आउट करते हैं बेटे पी क्यू। पी क्यू क्या बेटे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1, मींस PQ इज इक्वल टू x माइनस x1, OR डिस्टेंस x2, मींस OQ डिस्टेंस x, QR इज इक्वल टू x2 माइनस x1। सेम थिंग DE फाइंड आउट करना है, DE तो पूरा क्या है बेटे, देखो कंप्लीट y2 माइनस ओनली y, BC फाइंड आउट करना है तो पूरा क्या है, यहां से यहां तक y माइनस y1, BC इज इक्वल टू, अब देखिए बेटा PQ इज इक्वल टू AB x माइनस x1, QR इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x BC इज इक्वल टू y माइनस y1 एंड डी ई इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई। अब ट्राइंगल क्या है बेटे, ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल पर क्या है, दोनों क्या है, सिमिलर है, राइट एंगल ट्राइंगल पर क्या है, सिमिलर है। कौन कौन से ट्राइंगल, ए बी सी एंड सी ई डी, दे आर सिमिलर। सिमिलर क्यों, सिमिलर यह है रेशियो, सिक्स चैप्टर में है आपका, जब सिमिलर ट्राइंगल है दे आर रेशियो प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल क्या है, ए बी, देखिए बेस अपॉन बेस ए बी अपॉन सी ई, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन डी ई, मीन्स हाइपोटेन्यूज ए सी, देखिए 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज ए सी अपॉन में सी डी, कन्वर्ट हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए बेटे, ए बी, ए बी मीन्स एक्स माइनस एक्स वन अपॉन सी ई एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू बी सी वाई माइनस वाई वन अपॉन डी ई y2 माइनस y इज इक्वल टू ए सी एम और सी डी क्या है m। अब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, दिस इज इक्वल टू दिस, देखिए क्या बेटा, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एम अपॉन एन बाई द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एन एक्स माइनस एन एक्स वन, एन एक्स वन इज इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एम एक्स, एन एक्स, एक्स को एक्स की तरफ ट्रांसपोज कीजिए और एक्स वन को इस तरफ ट्रांसपोज कीजिए, जब ट्रांसपोज करते हैं तो साइन चेंज होता है बेटा, एन एक्स ट्रांसपोज हुआ एम एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू ट्रांसपोज एन एक्स वन। अब देखिए बेटा, यहाँ एक्स एक्स लाइट टर्म है बट इनके कोफिशियंट अलग हैं, एक्स कॉमन, एन प्लस एम इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, हम मल्टीपल है तो डिवाइड बेटा, ट्रांसपोजिंग किए
शिफ्टिंग कीजिए, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एन प्लस एन, सेम y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई इज इक्वल टू एम अपॉन एन, दे आर इक्वल, दे इज इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एन वाई माइनस एन वाई वन इज इक्वल टू एम वाई टू माइनस एम वाई, सेम एम एम वाई को ट्रांसपोज कीजिए बेटे, एन वाई ट्रांसपोज किया तो पॉजिटिव एम वाई टू ट्रांसपोज किया तो एन वाई प्लस एन वाई वन, वाई कॉमन बेटे वाई कॉमन एन प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन मल्टीपल है तो डिवाइड बेटे, मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसपोज करें तो क्या हुआ वाई इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन सम ऑफ देयर रेशियो एन प्लस एन, हेंस टू। अब देखिए बेटा यही आप लोगों को सेकंड फॉर्मूला यहां कराया था, इसी को हम प्रूव करके हैं, हेंस टू।